हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। आज जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ उस पे सबसे पहले रिएक्शन आएगा कि शी, इसके बारे में भी जानना पड़ेगा। बट एज अ मदर मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हो गई थी कि मुझे मेरे बेबीज़ के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने हैं, उसका पूरा पूरा ख्याल रखना है। एंड आई एम श्योर मेरे सारे मदर्स जो हैं मेरे से एग्री करेंगे। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो नहलाना सुलाना खिलाना पिलाना लिस्ट बहुत लंबी है, और उसी लिस्ट में पॉटी भी आता है। एज अ मॉम सिर्फ डाइपर चेंज करना या फिर उनका बम क्लीन करना ही सीमित नहीं होता है, उन पॉटी को ऑब्जर्व भी करना पड़ता है। आई नो इट्स अ डर्टी जॉब, बट बेबी पॉटी में बहुत कुछ है जानने और समझने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वीडियो एंड नो एवरीथिंग अबाउट बेबी पॉटी। बेबीज फर्स्ट पूप। बेबी का पहला पॉटी ब्लैक ग्रेनिश टार स्टिकी टाइप होता है, जिसे हम मेकोनियम कहते हैं। बेबी के जन्म होने के कुछ घंटों बाद या एक दो दिन में बेबी इस टाइप का पॉटी कर देता है। जैसे ये बेबी पॉटी कर ले, इट्स अ वेरी गुड साइन, इट्स अ वेरी हेल्दी साइन, बिकॉज इससे पता चलता है कि बेबी का जो बॉवल मूवमेंट है, जो पाचन शक्ति है, वो काम कर रहा है। डॉक्टर भी आपको आके पूछ सकते हैं क्या बेबी ने पॉटी किया, और किया तो कैसे किया, तो इट्स अ गुड साइन। सेकंड है, कौन सा पॉटी कलर नॉर्मल है और कौन सा नहीं है। ये ज़्यादातर डिपेंड करता है कि बेबी कौन सा फीड ले रहा है, ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क। जो बेबीज ब्रेस्ट मिल्क लेते हैं उन बेबी का पॉटी कलर मस्टर्ड येलो कलर का होगा। कभी कभार आपको पॉटी में वाइट कलर का सीड टाइप दिखे, मतलब दाना दाना जैसे दिख सकता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि बेबी ब्रेस्ट मिल्क को पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए वाइट कलर का ऐसे स्पॉट टाइप या दाना टाइप दिख सकता है, और ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। जो बेबीज फॉर्मूला मिल्क लेते हैं उन बेबी का पॉटी कलर लाइट येलो, येलोइश ब्राउन, ब्राउनिश ग्रीन, इस टाइप का आपको दिखेगा। अब कौन से कलर जो हैं वो एक वार्निंग साइन देता है या आपको डॉक्टर को विजिट करना है, वो है ब्लैक, रेड, वाइट या फिर ग्रे एंड ग्रीन। ये पांच कलर है। अगर ये कलर बेबी के पॉटी में दिखता है तो दैट मीन्स आपको डॉक्टर को विजिट करना है। अब ये कलर क्यों दिखता है, क्या रीज़न है, वो डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊँगी। फिलहाल आप ये पांच कलर जो है वो ध्यान में रख लीजिए कि ये कलर दिखे तो आपको डॉक्टर को विजिट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेबी कितनी बार पॉटी करता है। अब एग्जैक्ट नंबर तो कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप नहीं हुआ रहता है, और जैसे जैसे डेवलप होता है वैसे वैसे उनका फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है और एक फिक्स शेड्यूल में भी आ जाते हैं। अब ब्रेस्ट मिल्क बेबीज़ की बात करें तो वो एक दिन में 7 बार पॉटी कर सकता है, और 7 दिन में 1 बार भी पॉटी कर सकता है, ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। और जो बेबी फॉर्मूला मिल्क लेते हैं वो बेबी 2 से 3 बार दिन में पॉटी करते हैं, कभी कभार वो स्किप भी कर सकते हैं, बट कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब तक बेबी का पॉटी सॉफ्ट है, लूज है, उसे पॉटी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तब तक आपको टेंशन नहीं लेना है। अब जो बेबीज ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क दोनों लेते हैं उनका शेड्यूल बोल सकते हैं मोर और लेस वैसा ही सेम होता है, 2 से 3 बार जो है वो दिन में पॉटी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मेरे बेबी को कॉन्स्टिपेशन है। तो अगर बेबी बहुत ज़ोर लगा रहा है, रो रहा है, दिख रहा है कि पॉटी जो है बहुत हार्ड है, पेबल्स जैसे निकल रहे हैं, मतलब जो छोटे छोटे स्टोन होते हैं वैसे निकल रहे हैं, तो उस केस में बेबी को कॉन्स्टिपेशन है। अब घबराने वाली बात नहीं है, कॉन्स्टिपेशन आसानी से क्योर हो जाता है। यहाँ पर मैं इन डिटेल बात नहीं करूँगी, मैंने अलग से इसका वीडियो बनाया है, आप चाहे तो वो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दूँगी, एज वेल एज आपको एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। तो आपको उसके बारे में इन डिटेल जानना है तो आप वहाँ पर देख लीजिए, यहाँ मैं बताने जाऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं, क्या बेबी को डायरिया है। अब बेबी का पॉटी जो है वो लूज़, मतलब पानी का क्वांटिटी अगर बढ़ जाए और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाए, बार बार वैसा ही पॉटी कर रहा है, तो इन दैट केस बेबी को डायरिया है। अब डायरिया में बेबी को डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होता है, तो जितना हो सके आप बेबी को लिक्विड दें। ब्रेस्ट मिल्क देंगे तो बहुत अच्छी बात है, टाइम बीइंग के लिए फॉर्मूला मिल्क ना दें, सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क दें। एंड आप ORS दे सकते हैं, डॉक्टर रेकमेंडेड ORS आप दीजिए वो भी चलेगा।
दूसरी बात है कि जब डायरिया होता है तो बेबी को रैशेस होने के बहुत चांसेस है, तो जब भी आप क्लीन करें बेबी को रैश क्रीम लगाइए या फिर पाउडर लगाइए, डायपर फ्री टाइम दीजिए सो दैट रैशेस अवॉइड हो सके। इसका भी इन डिटेल वीडियो मैंने किया है, आपको लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एज वेल एज एंड स्क्रीन में भी आपको दे दूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले मैं डायरिया रिलेटेड ही दो बात यहीं पर बता देती हूँ। अगर डायरिया 24 घंटे के ऊपर भी हो रहा है, मतलब 24 आवर्स हो गया है फिर भी बेबी को डायरिया है, तो प्लीज़ डॉक्टर को विज़िट करें। और दूसरा जो है कि आप ये देखें कि बेबी को डायरिया क्यों हुआ है, क्या बेबी ने कुछ ऐसा खा लिया है कि उससे सूट नहीं हो रहा है, इट कैन बी एनीथिंग, फ्रूट जूस, फ्रूट वेजिटेबल सीरियल्स एनीथिंग, या कोई मेडिसिन आपने शुरू किया है वो सूट नहीं हो रहा है, या बेबी बीमार है, बुखार है, या दांत आ रहे हैं, क्योंकि जब दांत आता है तो बेबी कुछ भी अपने मुंह में डाल लेते हैं, जर्म्स चला जाता है, तो वो भी एक रीज़न है डायरिया का। तो आप वो याद करें या ऑब्ज़र्व करें कि बेबी को डायरिया क्यों हुआ है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉलिड फूड स्टार्ट करने के बाद बेबी का पॉटी कैसा होता है। अब जैसे ही सॉलिड फूड स्टार्ट होता है बेबी का कलर, टेक्सचर, कंसिस्टेंसी सब चेंज हो जाता है, बेबी पॉटी काफ़ी थिक हो जाता है और कलर जो है वो ब्राउनिश शेड में चला जाता है, बट कभी कभी वो खाने के ऊपर भी वेरी कर सकता है कि बेबी ने कुछ ऐसा खा लिया हो तो उसकी वजह से पॉटी का कलर भी चेंज हो सकता है। अच्छा, जब सॉलिड फूड स्टार्ट होता है तो तब कॉन्स्टिपेशन का चांसेस बढ़ जाता है, तो वो आप ध्यान में रखिए। बट अगर आप खाने पीने पे ध्यान देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं आता है, आप डाइट प्रॉपरली मेंटेन कीजिए बेबी का, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेबी पॉटी ओडर, यानी कि बदबू या फिर स्मेल। अब बेबी जब छोटा होता है उनका पॉटी का कोई स्मेल या कोई बदबू नहीं आता है, ब्रेस्ट मिल्क जो लेते हैं वो बेबी इसके पॉटी का तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आता है, बट बोलते हैं कि मॉम ने अगर कुछ ऐसा खा लिया हो कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला तो बेबी के पॉटी में से स्मेल आ सकता है, बट मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है। मैंने 6 महीना बेबी को ब्रेस्ट मिल्क दिया है बट ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मेरे साथ तो नहीं हुआ है। खैर, फॉर्मूला मिल्क बेबीज़ पे जाते हैं, उन बेबी के पॉटी से भी कोई स्मेल नहीं आता है, हल्का सा आ सकता है बट वो नेग्लिजिबल है। और जो बेबी सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं ऑब्वियसली उनके पॉटी से स्मेल आना भी शुरू कर देता है, जैसे जैसे वो वैरायटी ऑफ फूड खाएंगे वैसे वैसे स्मेल भी बढ़ जाता है। लास्ट और वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि डॉक्टर को कब विज़िट करना है। अगर बेबी के पॉटी में आपको रेड या ब्लैक कलर दिखे तो आपको डॉक्टर को विज़िट करना है, हो सकता है कि बेबी के पॉटी में खून हो, ब्लड हो। अगर बेबी ने कुछ खा लिया हो जिसकी वजह से रेड कलर हो तो वो अलग केस है, बट अदरवाइज़ आपको रेड और ब्लैक कलर में डॉक्टर को विज़िट करना है। नेक्स्ट कलर है वाइट और ग्रे। जैसे मैंने पहले कहा है कि जो बेबी ब्रेस्ट मिल्क पीते हैं उनमें वाइट कलर का सी टाइप दिख सकता है, वो डिफरेंट है, वो नॉर्मल है, बट मैक्सिमम पोर्शन जो है जो पॉटी है वो वाइट और ग्रे कलर दिखे तो आपको डॉक्टर को विज़िट करना है। ये इसीलिए होता है बिकॉज बेबी के लिवर में प्रॉब्लम है, इसीलिए बेबी का पॉटी वाइट या ग्रे कलर का होता है। नेक्स्ट कलर है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर जो है कुछ खाने की वजह से है तो अलग है, मैं बार बार वही बोल रही हूँ, खाने की वजह से हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो ब्रेस्ट मिल्क लेते हैं, जो बेबी ब्रेस्ट मिल्क ले रहे हैं उनमें अगर ग्रीन कलर दिखे तब आपको डॉक्टर को विज़िट करना है। ये इसीलिए होता है कि बेबी को हिंड मिल्क नहीं मिलता है। अब हिंड मिल्क जो है वो ब्रेस्ट मिल्क का ही पार्ट है, बेबी कम फीड ले रहा है या फिर छोटे सेशंस के फीड ले रहा है जिसके वजह से उसे हिंड मिल्क नहीं मिल रहा है, उसके शरीर को हिंड मिल्क नहीं पहुंच रहा है, तो आप जितना हो सके फीड को बढ़ाइए, सेशंस को बढ़ाइए, बेबी ज़्यादा फीड ले। बट फिर भी अगर बेबी का पॉटी ग्रीन हो रहा है तो आप प्लीज़ डॉक्टर को विज़िट करें। नेक्स्ट है, अगर बेबी कॉन्स्टिपेटेड है, आपने सारे रेमेडीज़ ट्राई कर लिए बट फिर भी बेबी क्योर नहीं हो रहा है, उसका कॉन्स्टिपेशन तब भी है, तो आप डॉक्टर को विज़िट करें। और लास्ट, अगर बेबी को डायरिया है, यू ट्राइड एवरीथिंग बट ठीक नहीं हो रहा है, 24 घंटे के ऊपर हो गया है, तो आप डॉक्टर को विज़िट करें।
तो ये था पॉटी के बारे में, बेबी पॉटी के बारे में। वीडियो को एंड करने से पहले मैं यही कहूँगी कि एज अ पेरेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम बेबी के हर एक चीज़ ऑब्जर्व करें, ऑन टोज रहे, और ऐसा कोई सिचुएशन आए तो पैनिक ना हो, उसे डील करने का सल्यूशन हमारे पास हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ माई वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।